नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ अपडेट्स शेयर करूंगा कुछ कंपनीज के बारे में। और ये अपडेट जो है वो मैं हमेशा आपके साथ शेयर करता रहता हूँ मेरे खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखिए मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन, कोई भी ट्रेड्स के, कोई भी टिप्स के, कोई भी अपडेट कभी भी नहीं होते हैं, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको कोई भी टिप्स दूँ, कोई भी अपडेट दूँ। आपको हमेशा सीखने के लिए सारी चीज़ों को किस तरीके से ऑब्जर्व करना चाहिए, किस तरीके से कंपनीज के बारे में जांच करना चाहिए, उसके बाद आपकी जो ओपिनियन है उस बेसिस में काम करिए। तो चलो देख लेते हैं एक एक करके सारे कंपनीज के बारे में। सबसे पहले जो कंपनीज है जिसके बारे में मैं बात करूंगा, जिसका मेरा खुद का ट्रेड है, जिसका नाम है CDSL। तो CDSL के ऊपर मैंने रिसेंटली एक ट्रेड लिया, वो किस कारण के वजह से लिया, मैं किस तरीके से लिया वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले देखिए CDSL के ऊपर किस बेसिस में मैंने ट्रेड लिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि CDSL के एक एक पैटर्न से यहाँ पे क्रिएट हुआ था। पैटर्न से क्रिएट हुआ था मतलब देखिए एक लंबा सा एक जर्नी का पैटर्न क्रिएट हुआ था। वो एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था। तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, उसके बाद फाइनली क्या हुआ, एक ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद ब्रेकआउट कन्फर्मेशन हुआ। अभी ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन का मतलब क्या है, देखिए जब भी कोई रेंज बनता है, जब भी कोई कप विद इंडिपेंडेंस का रेंज बनता है, तो उसके ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है, उसके बाद ऊपर एक कैंडल अगर ग्रीन कैंडल दिखे तो उसको ब्रेकआउट कन्फर्मेशन कहा जाता है। तो ब्रेकआउट कन्फर्मेशन में इस तरीके से फाइंड आउट करता हूँ और उसके ऊपर मेरा ट्रेड होता है, और मैं ट्रेड लेने के बाद मेरा टारगेट किस लेवल तक होता है, जो इसका कप का जो साइज है, कप का जो टोटल लेंथ है, इस लेंथ को मैं मार्किंग करता हूँ और वही लेंथ ऊपर बिठा देता हूँ, तो वही लेंथ में मेरा टारगेट निकल के आते हैं। तो फाइनली 38% का जो टारगेट निकल कर आ रहा था वो मुझे टारगेट को अचीव कर चुके हैं। तो जो मेरा ट्रेड था वो अचीव हो चुके हैं। अभी CDSL के ऊपर फिर से एक फ्रेश एंटी यहाँ पे बन सकते हैं, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक ही रेंज के ऊपर कंपनी क्या कर रहा है, उसको ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा है। मतलब जो हाई लेवल है, इसका जो टॉप लेवल है, इस लेवल को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस लेवल अगर ब्रेक करे तो एक अपकमिंग मोमेंटम जर्नी आपको देखने को मिल सकता है। तो इससे पहले आपको कंपनी का फंडामेंटल्स देखना है, क्या सही में जब कंपनी के ऊपर मैं ट्रेड लेता हूँ तब किस तरीके से फंडामेंटल को सर्च करता हूँ वो भी देख लीजिए। जैसे कंपनीज के ऊपर अभी फिलहाल की जो सिचुएशन है, वैल्यूएशन बहुत हद तक ज़्यादा है कंपनी का एवरेज पी रेशियो से, मतलब कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो से। अगर पी रेशियो को मैं कंपेयर करूँ तो पहले एक बार वैल्यूएशन चला गया था 75 के आसपास, और वो अभी करंट जो पी रेशियो है वो 38 के आसपास है। मतलब वैल्यूएशन थोड़ा सा सस्ता हो चुके हैं। अभी देखिए कंपनी के जो पेयर कंपनी है उसके साथ अगर कंपेयर करूँ तो देखिए BSE, NBCC, CDSL, ये सारे कंपनीज के साथ पेयर कंपेयर किया गया है, जो एक मिसलेनियस कंपनी है। तो उसके साथ डिस्कशन करूँ तो देखिए सबसे हाईएस्ट नेट प्रॉफिट, हाइट्स नेट नेट जो क्वार्टरली प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे देखने को मिला, सेल्स भी हाइस्ट देखने को मिला, और कर्जा तो एकदम जीरो है। और उसके साथ साथ कंपनी के जो ROC है वो भी आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा, टॉप 3 कंपनीज में, टॉप 4 कंपनीज में। तो एक बेस्ट तरीके से एक सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिले, जिसके चलते मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश रहता हूँ एज अ लॉन्ग टर्म के हिसाब से, एज अ स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी। तो देखिए मैं हमेशा इस कंपनी के एक बार मैं इन्वेस्टर को भी देख लेता हूँ कि इन्वेस्टर किस तरीके से काम करता है। जैसे प्रोमोटर के साथ FSDS पब्लिक हर किसी के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स भी यहाँ पे देखने को मिला, प्रोमोटर के पास अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। और उसी तरीके से एज ए कंपनी की जो बिजनेस है, उस बिजनेस में अगर फाइनेंशियल डिटेल्स को देखूँ तो कंपनी का जो कैपेक्स है वो किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है। अगर कैपेक्स को देखा जाए तो कंपनी का कैपेक्स इस बार हाइस्ट कैपेक्स देखने को मिला 208 करोड़, जो 2022 में कैपेक्स था सिर्फ 25 करोड़, और उससे पहले देखिए 2021 में था सर 18 करोड़ और 2020 में था सिर्फ 9 करोड़। तो 9 करोड़ से 125 करोड़ तक, सॉरी 208 करोड़ तक जर्नी करना इतना आसान नहीं है, मतलब कि वो कंपनी अलग लेवल में ग्रोथ करने का कोशिश कर रहा है। तो CDSL के ऊपर मैं इसीलिए बुलिश हूँ क्योंकि हर पॉइंट धीरे धीरे करके अच्छा होता देखने को मिला है। तो आपकी क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि CDSL का जो फिलहाल का जो सिचुएशन है मुझे थोड़ा सा अभी संभल कर काम करना पड़ेगा, अभी थोड़ा सा वेट करूंगा, क्योंकि अभी कुछ उस तरीके से फ्रेश एंटी नहीं मिला। जब तक फ्रेश कोई एंटी ना मिले तब तक मैं कोई काम नहीं करता हूँ। तो आपके क्या ओपिनियन है, आपके क्या राय है, आप किस तरीके से इस कंपनी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर एक अपडेट मैं आपको बता दूँ कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर देखेंगे तो कंपनी लगातार वो बड़ा होते चले जा रहे हैं, क्योंकि इसका मार्केट कैप बढ़ते चले जा रहे हैं, 2,18,000 करोड़ के ऊपर चला गया है। तो कंपनी लाइफ टाइम हाई को भी ब्रेक करके थोड़ा सा नीचे आया है। अभी देखिए इस कंपनी का पी रेशियो अभी भी इतना हाई देखने को मिला है। इतना हाई होने के पीछे एक ही रीज़न है कि कंपनी का बिजनेस अभी तक स्टार्टिंग ही नहीं हुआ। जब बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा तब कंपनी का ग्रोथ और भी बढ़ने का चांसेस रहेगा। और मज़ेदार बात यही है कि कंपनीज के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो आप देखेंगे तो सेल्स
अलग लेवल में कंपनी का सेल्स देखने को मिला, और सेल्स के साथ साथ एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का प्रॉफिट भी एक ही रेंज के ऊपर है। हाँ, बीच में थोड़ा सा और भी ज़्यादा कंपनी का नेट प्रॉफिट हो गया था, जैसे 668 करोड़ के आसपास, और जो जो प्रीवियस क्वार्टर से डबल के आसपास हो गया था। और कंपनी इसी रेंज के हिसाब से कंपनी काम कर रहे है, और उसके साथ साथ कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 31 के आसपास देखने को मिले। और देखिए, कंपनी के ऊपर सेल्स का ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ, परसेंटेज ऑफ रिटर्न और रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ आपको ब्लैंक दिखेगा, क्योंकि कंपनी अभी तक 1 साल हुआ नहीं है, इसलिए डेटा अभी तक अपडेट नहीं है। और मजेदार बात यही है कि कंपनी इस टाइम में भी एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर इस अच्छा खासा निवेश करके रखे जाए, चाहे वो FIs हो, चाहे वो DIs हो, चाहे वो पब्लिक हो, हर किसी के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स आपको देखने को मिल जाएगा। और इस फाइनेंस कंपनी के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे जो अच्छा लगा कि कंपनी का रिजर्व तो ठीक ठाक है, कंपनी का बोरिंग्स एकदम जीरो हो चुके हैं। पहले 743 करोड़ का बोरिंग्स था, अभी खुद के जेब के पैसे से ही वो काम कर रहा है। देखिए, अभी तक बिजनेस तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, कंपनी की NBFC है, तो NBFC का काम है खुद पहले लोन ले, उसके बाद उस लोन से कस्टमर को लोन दे, उसके बाद काम करे। तो पहले खुद के जेब में तब पैसा वो लेने वाला है, तब वो लोन लेने वाला है जब खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है थोड़ा सा और भी टाइम लग सकता है इस बिजनेस को कंटिन्यू कराने के लिए, क्योंकि रिलायंस ग्रुप की कंपनी है और आप सभी जानते हैं रिलायंस कभी भी ऐसे काम नहीं करता है जिसमें कंपनी का लॉसेस होने का चांसेस ज़्यादा है, तो ऐसे वो काम नहीं करेंगे, वो सोच समझ कर सारे डिसीजन को जरूर लेंगे। तो सबसे पहले मैं कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, जहाँ पे मैंने टेल लिया था और मैंने किस बेसिस में टेल लिया वो भी मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, क्योंकि सारी चीज़ों को आप सीखने के लिए आए हैं, तो सिखाने का काम मेरा है, और सीखने के बाद आपका जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके काम करना आपके हाथ में है। क्योंकि ब्लाइंडली किसी तरीके से कोई भी कंपनी के ऊपर ट्रेड मत लेना, क्योंकि मेरा खुद का रिस्क मैनेजमेंट करके मैं काम करता हूँ, आप भी रिस्क को मैनेज करके आपके ओपिनियन के बेसिस में काम करिए। देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, जब इस यहाँ पे ओपनिंग हुआ था, लिस्टिंग हुआ था, और लिस्टिंग होने के बाद नीचे आए, फिर से वो ऊपर गया, तो मतलब एक एक रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 बना था, और यहाँ पे क्या बना, सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2 बना। तो जब सपोर्ट 2 में आया तब एंट्री लिया, और उसके बाद यहाँ पे एक टारगेट बना था रेजिस्टेंस 3 में। तो फाइनली यहाँ पे एक पैटर्न भी क्रिएट हो गया था, कफ विद हैंडल पैटर्न। तो जब ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ, यहाँ पे फिर से एंट्री बना और यहाँ तक टारगेट टारगेट बना। और फाइनली देखिए, टारगेट बनने के बाद फिर से देखिए यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे रेंज में कोई भी एंट्री नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई फ्रेश एंट्री, कुछ क्लियर कट एंट्री मुझे नहीं मिला, तो जिसके चलते है मैं यहाँ पे कोई काम नहीं किया। मैं इंतजार किया जब तक कोई मौका ना मिले, कोई फ्रेश एंट्री ना मिले, तब तक मैं काम नहीं करूंगा। बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज। देखिए, KPIT टेक्नोलॉजीज के ऊपर सबसे पहले मैं एक इंपॉर्टेंस पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, इसका जो मेनली बिजनेस है, बहुत सारे लोग जानते नहीं इसका बिजनेस क्या है, मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किया सर एक्चुअली मेनली बिजनेस क्या है। देखिए, KPIT का जो मेनली बिजनेस है वो नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी टेक्नोलॉजीज, मतलब जो गाड़ियाँ बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है, तो ऑटो सेंसर के जो टेक्नोलॉजीज, जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, तो गाड़ी में कहाँ पे फॉल्ट है, कहाँ पे इंजन में प्रॉब्लम है, उसको जांच करने के लिए जो टेक्नोलॉजीज यूज़ किया जाता है, तो उसी के काम कंपनी करते हैं। जैसे कंपनी का मेनली जो बिजनेस है वो यूरोप, USA, जापान और चाइना और थाईलैंड एंड इंडिया, इस जगह पे कंपनी काम करते हैं। चलो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, और भी आपको आसानी होगा सारी चीज़ों को जानने में। तो आप देख सकते हैं कंपनी के जो मेनली बिजनेस है वो फ्यूचर एंड डेवलपमेंट एंड जो इंटीग्रेशन है उसके ऊपर, साथ ही साथ आप देखेंगे तो क्लाउड बेस्ड जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर, वो सर्विसेज के ऊपर, साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे तो आर्किटेक्चर एंड जो मिडिलवेयर है कंसल्टेंट, उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो बेसिकली कंपनी के जो बिजनेस है वो ऑल ओवर इंडिया में कंपनी फैला के रखा है, सॉरी ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला के रखा है, जहाँ पे यूरोप में 40%, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 35% और USA में 23% के आसपास बिजनेस फैला के रखे हैं। और साथ ही साथ इस कंपनी के जो बिजनेस अभी फिलहाल के लिए चल रहा है वो शानदार तरीके से देखने को मिलेगा, क्योंकि जो क्वार्टरली रिजल्ट है कंपनी का, हर क्वार्टर्स में कंपनी पिछले क्वार्टर्स को बीट करके आगे बढ़ रहे, तो मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी सिचुएशन को मेंटेन करके आगे बढ़ रहे, और कंपनी एक्सपेंस को भी मेंटेन किए, उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट 43 से 70 बना, 70 से 104 बना और 150 बना, एक अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। उसके साथ साथ आप एक भी और ये भी नोटिस करेंगे तो जो बैलेंस शीट है वहाँ पे जो रिजर्व है वो भी लगातार बढ़ते चले गए, बोरिंग्स भी कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से बोरिंग्स देखने को मिले, अच्छा खासा कंपनी बोरिंग्स को यहाँ पे उठा चुके हैं। हाँ, फिर भी कहूँगा जितने कंपनी के पास बोरिंग्स है वो बोरिंग्स वो इजीली मिटा सकते हैं, क्योंकि कंपनी के जेब में अच्छा खासा पैसा भी है।
तो सारे पॉइंट्स को एक साथ अगर जोड़ा जाए तो कंपनी का बिजनेस अलग लेवल में कंटिन्यू हो रहा है, जिसके चलते इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर जी जान लगाकर इन्वेस्ट करके रखे हैं, क्योंकि FIS के पास देखिए तगड़ा बाइंग है 26% और DS के पास जो होल्डिंग है वो करीब करीबन 11% और प्रोमोटर के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिला करीबन 39% के आसपास। तो बेस्ट तरीके से एक यहाँ पे बाइंग सिचुएशन देखने को मिला। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी का जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है अभी फिलहाल के लिए मेरा कोई फ्रेश एंट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कप बना और उसके बाद मुझे एक हैंडल पैटर्न चाहिए और मुझे नहीं लग रहा है हैंडल पैटर्न बनेगा, क्योंकि जो कप का जो लो है उसी लो को टच किया है, तो इसका मतलब ये जो पैटर्न है इस पैटर्न कैंसिलेशन किया जाएगा। तो जब कोई फ्रेश एंट्री बनेगा, कोई नया तरीके से कोई एंट्री बने, तब मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। अभी चलो एक चीज़ मैं यहाँ पे अभी दिखा देता हूँ, अगर यहाँ पे भी देखूँ तो देखिए जो इसका RSI है वो RSI कहाँ तक आ गया, वो RSI आ गया 30 के नीचे, तो 30 के नीचे RSI देखने को मिला तो एक प्लस पॉइंट बना। मगर दूसरी बात यहाँ पे है, 30 के नीचे जब RSI आएगा उस टाइम में चार्ट जो है वो 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आना चाहिए तब एंट्री बनता, तो यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आया, मगर RSI 30 के नीचे है तो यहाँ पे कोई एंट्री में नहीं लेने वाला हूँ। क्योंकि प्रीवियस अगर डेटा मैं आपके साथ शेयर करूँ तो ध्यान से देखना, जब RSI नीचे आए थे, देखिए RSI कहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 30 के नीचे क्या आया था, बिल्कुल नहीं आया। तो पहले और प्रीवियस डेटा में एक बार आपको दिखा दूँ, तो जब RSI, हाँ अभी यहाँ पे देख सकते हैं कोविड के टाइम में, देखिए कोविड के टाइम में क्या हुआ, RSI 30 के नीचे आया और उसके साथ यहाँ पे चार्ट भी 200 डेज नीचे आया और देखिए यहाँ से जम करके यहाँ पे टारगेट बना, जो इसका लोअर साइड से टारगेट अच्छा खासा यहाँ पे अचीवमेंट हुआ। तो इसका मतलब RSI नीचे होना चाहिए 200 डेज, सॉरी RSI 30 के नीचे होना चाहिए, उसके साथ 200 डेज EMA के नीचे भी चार्ट होना चाहिए तब एंट्री बनेगा। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर कोई भी एंट्री नहीं है, जब कोई फ्रेश एंट्री बनेगा, जब मैं खुद एंट्री लूंगा तो आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज़ मेरे तरफ से कोई भी वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होता है, सारी चीज़ों को समझ कर सीख कर आपके जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके काम करिए, क्योंकि मेरे कोई पेड वर्बसन नहीं है, मैं हमेशा हर चीज़ों को सिखाने के लिए आपके साथ शेयर करता हूँ। काम करना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से करना चाहिए। इतने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।